आरके कॉलोनी भीलवाड़ा राजस्थान। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। अगर दुनिया में सबसे कोई कीमती चीज है तो वो है आपके भाव, आपके परिणाम। लोगों को लगता है कि धन संपत्ति वैभव ये बहुत बहुमूल्य वस्तुएं हैं, लेकिन इनका कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, क्योंकि ये तो आज हैं और कल नहीं है, इनका आपके कल से कोई सारोकार नहीं है। लेकिन जो आपके भाव हैं, परिणाम हैं, चित्त है, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। साथ में आपके वो ही जाएगा और अगली पर्याय आपको अगला स्थान वही मिलेगा जन्म, जैसे आपके भाव रहेंगे। इसलिए उन भावों को संभालना सबसे ज्यादा आवश्यक है। और सबसे ज्यादा दो प्रकार से व्यक्ति के भाव खराब होते हैं, एक इष्ट के वियोग से, एक अनिष्ट के संयोग से। कि कोई अपना है वो चला जाए, देश से चला जाए, जीवन से चला जाए, संसार से चला जाए। और एक अनिष्ट संयोग कि जो व्यक्ति प्रीतिकर नहीं है, जिससे आपको प्रीति नहीं है, और वो आपके अगर सन्निकट आ जाए, पास में आ जाए, तो बड़ा दुख होता है। तो ये दो चीजें हैं। इन दो विशेष परिस्थितियों में अपने भावों को संभाल करके रखना, इन दो विशेष परिस्थितियों में मिलकर बिछड़ना और बिछड़कर मिलना, ये जीवन का अमिट चक्र है। इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। इसलिए आज से ही निर्णय करके रखो कि जो जो चीजें या जो जो व्यक्ति आपके जीवन में आया है वो आपके पास से जाएंगे। जो वृद्ध हो उनको पूछिए कि उनके पिताजी कहाँ हैं, चले गए, क्योंकि वो आए थे। लेकिन जो है वो रहता है, हमारी आत्मा है, थी और रहेगी, लेकिन जो हमारा शरीर है ये हमने प्राप्त किया है तो ये जाएगा। ऐसी संबंधी है, परिवारजन है, संपत्ति है, ये आपने प्राप्त की है, जाएगी, एक दिन छूटेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो उसके लिए आज से ही तैयार रहें। माना कि कोई पुत्र है 40 साल का, 35 साल का, और उसके पिताजी हो गए 60 साल के, वो निर्णय कर ले कि मैं 50 का होऊंगा, तब तक पिताजी का वियोग हो जाएगा। हो जाए नहीं, हो जाएगा। निर्णय करके चले, उसको परस्पर में मस्तिष्क में लेके चलना चाहिए कि जो आया है वो जाएगा। अगर ऐसा मन में आपके आ गया तो निश्चित मानना मन शांत रहेगा, क्योंकि बिछड़ना मिलना, मिलना बिछड़ना, बिछड़कर मिलना, मिलकर बिछड़ना, ये तो दुनिया का चक्र है, चलते ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। जिन जिन की शादी हुई वो अपना पीहर छोड़ करके ससुराल में आ गए, वहां से वियोग, वहां से वियोग, नया संयोग। जो बेटे को आपने जन्म दिया, जो आपके घर में जन्म को प्राप्त हुआ है, वो भी कहीं से मरकर ही तो आया है, तो जब तक छूटेगा नहीं तब तक नया कुछ मिलेगा भी नहीं। तो अगर कोई चीज आपके लिए खुशी का माध्यम बन रही है तो कहीं ना कहीं वो किसी की ना की वियोग का माध्यम भी बनेगी। एक व्यक्ति ने अपने पुश्तैनी जमीन बेची और हृदय पर पत्थर रख करके बेची, भले ही लाखों करोड़ों की बेची हो, जिसको मिल रही वो बड़ा खुश हो रहा है। क्यों खरीद रहा, बोले प्राइम लोकेशन, मैंने प्रॉपर्टी ले ली। लेकिन जो बेच रहा उसके दिल से पूछो कितना दुख हो रहा है कि मुझे बेचनी पड़ी है। तो ये संयोग वियोग चलता रहेगा, क्योंकि संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा। तैयार रहें, तैयार रहें, संयोग हुआ है तो। और बाकी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो उसको एक बहुत बड़ी शक्ति है उसके पास, उसको कहते हैं विस्मरण शक्ति, भूलने की शक्ति है, वो सब भूल जाता है। यही मानव नरक में भी गया, जानवर भी बना, देव भी बना, बहुत दुख भी झेले, लेकिन भूल गया सब। अगर आप पीछे का याद रखो, कहां जन्म लिया था, कैसे थे, तो आप अभी नहीं जी पाओगे। तो मनुष्य के पास एक विस्मरण शक्ति है, तैयार रहें, जो आया है वो, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो,
जो आया है वो जाएगा, उसके लिए तैयार रहे। और मैंने कई बार देखा कि जब बिहार होता है चातुर्मास के बाद बहुत सारे लोग रोते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर उसके बाद सब मस्त हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, फॉर अ चेंज सब रहता है, फिर जो जहां रहता है वहीं रम जाता है, उसमें ही आनंद मना लेता है। एक तोते को पेड़ से पकड़ करके पिंजरे में डाल दिया, अब वो पिंजरे में ही आनंद लेने लगता है, क्या करेगा वो, और कोई रास्ता तो है नहीं। इसलिए अपने जीवन के हर एक क्षण को उत्सव मान के जिए, संयोग वियोग की चिंता ना करें। राग परिवर्तित होता है, व्यक्ति सब परिवर्तन कर लेता है। ये व्यापारी लोग 100-500 के नोट में कमाते हैं, 100-500 के नोट के रूप में कमाते हैं, और पेमेंट जाती लाखों के चेक से, तो उनको वो हर एक 500, 100, 2000 जो नोट चलते, इस प्रत्येक नोट पर राग रहता है कि मेरा है मेरा है। तो फिर जैसे ही पेमेंट की बारी आती तो करना पड़ता है। जो जो अभी जिस जिस घर में रहता है बहुत अच्छे से रहता है, अगर मेरा घर बहुत अच्छा है और उस घर की कीमत 2 करोड़ रुपए है, और कोई बोले 10 करोड़ रुपए लो खाली करो, क्या करोगे आप? लो ये तुरंत लो, फर्नीचर वो भी तुम्हारा, किचन में बर्तन हाँ वो भी तुम्हारे, हम तो नया ले लेंगे। अगर 10-20 किलो चांदी के भी बर्तन घर पे रखेंगे तो आप बोलोगे हाँ वो भी तुम्हें दिए, 10 करोड़ रुपए नगद दो कैश। वही घर जो अपना है कह रहे थे, अगर कोई बाहर स्क्रैच लगा दे तो लड़ लेते थे, उसको छोड़ने तैयार हो गए। संयोग वियोग है, राग का परिवर्तन होता है, सब भूल जाते हैं कौन किसका है कोई याद नहीं रखता। इतना ये बात आप जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी जल्दी सुकून भी मिलेगा कि संयोग वियोग जीवन का चक्र है, फेस ऑफ लाइफ है, लेकर के चलें। क्योंकि आपको भी जो नई नई चीजें आनंद दे रही हैं वो भी तो कहीं से टूट करके छूट करके आई हैं। नीतिकार कहते हैं कि नवे प्रीति सदा भवेत, नवे प्रीति सदा भवेत। जो नई नई चीजें होती है उसमें प्रीति होती है, उनमें बड़ी गहरी प्रीति होती है, नई नई जो भी चीजें प्राप्त हों। लेकिन कुछ दिन की बात है सब फिर यथावत स्थिति में पहुंच जाते हैं। घड़ी का कांटा है, कभी तुम्हारी ओर तो कभी किसी की ओर, वो तो चलता था चलता है चलता रहेगा, उसको ना रोक पाया कोई ना रोक पाएगा। क्यों ना अपन इस चीज को एक्सेप्ट करें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 2 घनिष्ठ मित्रों को देखा, 75 वर्ष की उम्र के दोनों घनिष्ठ मित्र, दिन में 12-15 घंटे साथ में रहने वाले, बचपन से 75 तक, सोचो आप इतने घनिष्ठ मित्र। और एक दिन समाचार आया, एक मित्र का ठंडी में हार्ट अटैक से वियोग हो गया, दूसरा मित्र तो विवल हो गया। मैं बहुत छोटा था, 10 साल का था, फिर वो दृश्य देखा, सभी लोग शमशान में गए, हम लोग बच्चे लोग तो गए नहीं थे, लेकिन वो अंकल बहुत स्तब्ध थे, रो नहीं रहे थे, सब उनको बोल रहे थे कि रो नहीं रहे थे। शमशान गए, अग्नि संस्कार हुआ, एक पिलर में टिक करके बैठे, चले गए। मित्र भी चला गया साथ में, किसके राग में? मित्र के राग में। वियोग हो गया ना, अब वो कहीं और राग के साथ जन्म लेंगे आगे। हमें इस साइकिल को तोड़ना है, राग कम करना पड़े कि जो संयोग हुआ उसका वियोग होगा ही होगा, उसका राग करके अपन को अपने दुखी नहीं होना है। स्वीकारो, ये मत सोचो कि कम मिला, ये सोचो कि मिला तो है। लेकिन मैं मानता हूं जिसके ऊपर परिस्थितियां बीतती है वो ही जानता है, लेकिन आज से ही अगर आप सोच के रखोगे तो आप मजबूत रहोगे। हमें आगे की तैयारी करना है। आपने रोटी खाई है सुबह, मल बन के निकलेगी हमेशा पेट में, तो रोटी नहीं टिकी तुमने ही खाई थी तो तुम भी नहीं टिकोगे, दुनिया में आए हो। इस नीति को अपने हृदय में उतारना, आने वाले समय में जितना आप इसके बारे में सोचोगे उतना कम दुखी रहोगे, जितना आप इसके बारे में सोचोगे उतना अधिक सुखी रहोगे, ऐसा विचार करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी नीति क्लास।
नीति क्लास। नीति क्लास।